हाँ स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में। यस, हम लोग ड्रॉ करेंगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जिसमें होगा एक बल्ब, जिसमें होगा एक बैटरी जिसमें दो सेल लगे होंगे, एक होगा एमीटर, एक वोल्ट मीटर और एक प्लग की। तो देखते हैं ये डायग्राम कैसे बनेगा। एक बल्ब है, बैटरी है दो सेल का, बैटरी है दो सेल का। तो ये देखिए माइनस प्लस, ये एक सेल और ये एक सेल, दो सेल हो गया इसमें। अब एक प्लग की लगा दिए और जानते हैं कि एमिटर जो है वो हमेशा सीरीज में कंबाइन रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा पैरेलल ऐड करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि इसको हम डॉट लगा दिए तो ये बन गया प्लग की जो क्लोज्ड है। अच्छा, ये एमिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होना चाहिए एंड नेगेटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ होना चाहिए। तो ये वोल्ट मीटर में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल बना होता है। अब इस डायग्राम में हम लोग डायरेक्शन ऑफ करेंट नहीं दिखाए हैं जो हम लोगों को दिखाना होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करेंट जो होता है वो ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यस, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और जब भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे डायरेक्शन ऑफ करेंट दिखाना बहुत एसेंशियल है। तो अब याद रखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, तो आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव सामने, नो, आपको इधर से टर्न करना होगा। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ करेंट, क्या फ्लो हो रहा है, आई, किसका सिंबल है, करेंट का। तो ये पास हो गया। अब आके देखिए यहां पर ये करेंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है, एक जो बल्ब की तरफ से चला जाएगा और एक जो वोल्ट मीटर की तरफ से जाएगा। यस, लेकिन उन लोग रास्ते में फिर से कहीं पर मिल जाने वाले हैं और फिर से इस नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेंगे। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है जिसको मैनेज करने के लिए हम लोग सेल, बैटरी या जनरेटर ये सब यूटिलाइज करते हैं और करंट कंटिन्यूसली फ्लो। तो ये सर्किट डायग्राम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट देने के लिए भूलना नहीं है और ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल किधर